हिंदुस्तान के कई रियासतों में सख्ती के साथ इस साल भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई जगहों पर 30 मई तक लॉकडाउन है तो कई जगहों पर 31 मई और कई जगहों पर 7 जून। तेलंगाना में 30 मई तक सख्ती के साथ लॉकडाउन का ऐलान किया गया, ये दूसरी मर्तबा ऐलान किया गया। अब ये भी बताया जा रहा है कि 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आम जिंदगी पूरी तरीके से मुतासिर हो गई है। तेलंगाना भर में सिर्फ 4 घंटे की छूट दी गई है और 20 घंटे सख्ती के साथ लॉकडाउन है। 6 से 10 बजे तक सुबह के छूट दी गई है, जिसमें कारोबार करने वाले सही से कारोबार भी नहीं कर रहे हैं और कई लोग इसकी वजह से मुतासिर भी हो गए हैं। लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अभी ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन तेज़ी के साथ फिर से खबरें सरगर्म हो चुकी है कि 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने तो बार बार यही तयखुन आवाम को दिया था कि लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बार बार लॉकडाउन तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम तक मदद फराहम करने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। और दूसरी तरफ तेलंगाना असेंबली में भारतीय जनता पार्टी, AIMIM और कांग्रेस के अराकीन असेंबली ने बार बार यही चीफ मिनिस्टर को कहा था कि गरीब आवाम COVID-19 का इलाज अगर सेकेंड वेव आता है तो कैसा करेंगी, और ये भी कहा था कि अयोध्या श्री स्कीम में COVID-19 को जल्द से जल्द शामिल किया जाए, जिस पर चीफ मिनिस्टर KCR ने तो तमाम अराकीन असेंबली को तयखुन दिया था ज़रूर COVID-19 को अयोध्या श्री स्कीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आज छोटा कारोबार करने वाला हो, चाहे वो बंडी ढकल कर 200 रुपये कमाने वाला हो, या फिर उबेर और ओला के ड्राइवर्स हो, या फिर बड़ा कारोबारी इदारा हो, तमाम कारोबारी इदारे फिर से एक मरतबा इस साल भी ठप हो गए हैं। पिछले साल भी तेलंगाना में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कई रियासतों में सख्ती के साथ लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और आवाम की जानिब से लॉकडाउन को यकीनी भी बनाया गया था, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR पूरे इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद यही बताते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। और आपको बताते चले कि हर इंतखाबात, चाहे वो म्युनिसिपल इंतखाबात हो, चाहे वो बाई पोल हो, चाहे वो सिद्दीपेट के म्युनिसिपल इंतखाबात हो, तमाम इंतखाबात को मुकम्मल होने तक कोई लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन ईद उल फितर के ऐन दो दिन कबल, जबकि बिना मज़हब मिल्लत लोग कारोबार करते हैं, उनके कारोबार को मुतासिर कर दिया गया और फिर लॉकडाउन का ऐलान, और आज तक भी लॉकडाउन है और 30 तारीख तक ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अब आने वाले टाइम में ये भी बताया जा रहा है कि 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है, ये अवामी फ़ैसला करे। और आज हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के बाद आवाम को मदद फराहम करने में हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। और आज हिंदुस्तान के कई रियासतों में सख्ती के साथ लॉकडाउन है और दूसरी तरफ हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन असेंबली ने लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही सरगर्म होकर आवाम की मदद करने में जुटे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के TRS, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कोई अराकीन असेंबली लॉकडाउन के ऐलान के बाद से नजर नहीं आ रहे हैं, ना इनके पार्टी दफ्तरों को खोला जा रहा है। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम को ही सुबह के 7 बजे से 9:30 बजे तक आवाम की मदद के लिए और आवाम की तकलीफ को सुनने के लिए खोला जा रहा है, और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान सरगर्म होकर काम कर रहे हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने पिछले साल भी आवाम की मदद करने में जुटे थे और इस साल भी खाना बनाकर तमाम असेंबली सेगमेंट्स में पहुंचाया जा रहा है, घरे घर लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से बिना मजहब मिल्लत घरों तक खाने को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दूसरी पार्टीज़ के कोई अराकीन असेंबली ना कोई कॉरपोरेटर्स नज़र नहीं आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर दूसरी तरफ लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आरोग्य श्री बटी विक्रमार्का साहब ने भी कहा है ये बात को, हमारे लोग भी कह रहे थे, मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ, इट्स वेरी सिंपथेटिक दिस थिंग। लेकिन आप जो बात कहे वो अच्छी बात है कि गरीब से गरीब लोग कोई प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लिए तो बेरेबल नहीं है उनको,
अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए, हमारे MLS रोज देते रहते, आप भी भेजते रहते, CMRF में पैसे है, लिबरली मैं देता हूँ, आप जानते हैं, आप भेज दीजिए, कुछ अगर आपके नजरिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, वबा में कोरोना के उम्मत फंसी है, हो काले या गोरे, हो बूढ़े या बच्चे, हो काले या गोरे, हो बूढ़े सभी पर मुसीबत अजब आ पड़ी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, बहुत हो क्या आजिज वबा से खुदाया, बहुत हो से खुदाया, नजर अहल दुनिया की तुझ पर जमी है, इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, कोरोना